हेलो गाइस, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2t i कैप प्लस 3t² j कैप न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन xy प्लेन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन अ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t = 0 to t = 2 सेकेंड। और गाइस अब हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो गाइस क्वेश्चन में हमें दे रखा है वैक्टर एफ, और गाइस हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि ये वैक्टर एफ इज इक्वल टू d vector p / dt। अब गाइस हम क्या करेंगे कि जो ये वेक्टर एफ है इसकी जगह जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना वो पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2t i कैप प्लस 3t² j कैप और d vector p / dt हमारा ऐसे ही रह जाएगा। अब क्या होगा गाइस कि जो हमारा dt है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। और गाइस अब क्या होगा कि जो हमारा dt है ये 2t i कैप से ही मल्टीप्लाई होगा और 3t² j कैप से ही मल्टीप्लाई होगा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। अब गाइस हम क्या करेंगे, हम ना दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने डी वेक्टर पी को भी इंटीग्रेट कर दिया है, और जब हम 2t dt i कैप को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मैंने जो 2 है ना उसको बाहर ले लिया, और t dt को ना इंटीग्रेट कर रहा हूँ कहाँ से लेके कहाँ तक गए, 0 से लेके 2 तक। और जब हम 3t² dt को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो मैंने इसमें से 3 बाहर ले लिया है और t² dt को मैंने इंटीग्रेट किया है। और कहाँ से लेके गए कहाँ तक करेंगे, 0 से लेके 2 तक करेंगे। यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे गए 2 आएगा। तो गाइस जब हम t dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता क्या होगा कि जो t के ऊपर पावर 1 है इसमें 1+1 और हो जाएगा, और जो ये 1+1 है ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ t² / 2। अब गाइस हमें ये जो 2 दे रखा था इसको भी मैं लिख देता हूँ (2). तो गाइस 2 से हमारा 2 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ हमारा 1 आएगा, और t² जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमारा आ जाएगा t², और हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, और आई कैप हमारा ऐसे ही रहेगा। अब गाइस हम t² dt का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो t^2 है इसमें 1+ हो जाएगा और ये 2+1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा t^3/3। यहाँ पे t^3 है और (3) गाइस जो कि हमें दे रखा था, तो ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 1 आएगा, और जब 1 हमारा t³ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आएगा आंसर t³। तो आप देख सकते, तभी मैंने यहाँ लिख दिया है, और गाइस यहाँ 3 की जगह 2 आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब गाइस हम क्या करेंगे, हम अब गाइस 0 की जगह ये गाइस हम अब इसको कैसे करेंगे कि जो t है इसको गाइस हम ऐसे करेंगे, अपर लिमिट 2 रेज़ टू द पावर 2 - 0 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है, फिर हम आगे लिख देंगे प्लस में, प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3 - 0 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है गाइस। तो इस पूरे को सोल्व करके हमारा आ जाएगा 4 i कैप, यहाँ पे गाइस i कैप भी आप लिख लेना, और j कैप यहाँ पे, ठीक है, i कैप आ जाएगा प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3 हमारा कितना होता है गाइस 8, और ये j कैप इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा चेंज इन मोमेंटम है वो आ रहा है 4 i कैप + 8 j कैप। और गाइस यहाँ पे मोड नहीं लगेगा ये गाइस, मैं जब PDF अपलोड करूँगा तो ठीक करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जो तो गाइस हमारा जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो आ रहा है 4 i कैप + 8 j कैप। अब गाइस मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो गाइस मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे मोड चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू √4² / 8² 4² हम जानते हैं 16 होता है, 8² होता है हमारा 64, इन दोनों का सम होता है 80। अब हम क्या करेंगे कि जो 80 आया इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो इस तो जो हमारा अप्रोक्सीमेटली आएगा वो आएगा चेंज इन मोमेंटम 9 kg/s। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज़।